के थाने भूख लगी है भगवत। हाँ माने जरूरी भूख लग रही है, चल बाजार में देखा के खावाने के मिले है। भगवत देख बैठे मूंगफली है, मन बहुत चौखी लगे है। कोई बात को नहीं, अफा मूंगफली कोने चुरा रहा, ठीक स्वाद ही चाखा हाँ। भागले भगवत भागले। ए, पाछा आओ बदमाश कठा का। बेटा क्यों यो, तू अच्छा तो है? आफा कठे हाँ। थे सगला भाग आला हो जो मारा जागनामा आया हो। आज आपा सगला बात करे कि परमात्मा चावे कि आपा सगला चोरी ना करा। मैं सोचू हूँ कि थारी यह बात चोरी का बारे में है, मैं बहुत चोखो हूँ। मैं जानू हूँ कि चोरी करनो चोखी बात कुनी है, पर मैं के करूँ, कदे कदे मेरे पर काबू को नहीं कर सकूँ। क्योंकि थारा कने बाव बात को नहीं है जिसे ते थारा पर काबू कर सको हो। थाने ईयान की बड़ी ताकत की जरूरत है जो थाने बुरा काम सु रोक सके। मैं जोर हालो हूँ, मने कोई के साथ की जरूरत को नहीं है। अरे अच्छे है मैंने कोई को साथ चाहिए। वास्तव में एक ही आदमी है जो अपना बुरा काम पर काबू पाबा के लिए और आपा ने दूसरा जन्म को चक्कर तोड़वा की शक्ति दे सके। ई नालेर से मैं थाने ई का बारे में बता सकूं हूं। नालेर? हाँ मारा भाई लो, मैं चाहूं हूं कि मैं थाने एक बड़ा मिनक का बारे में बताऊं। बोला अनोखा रूप से भगवान इस संसार में जन्म लियो एक ताकत आला तारा के चांदना के नीचे। तीन राजा भी ने अगुणा से देख पाया। जिया जिया वो बड़े हुयो बोला सारा विद्वान ने आप आला आत्मा का गाना से अचमु दिखायो। वाह भगवान यीशु भोजोर हलो गो। हाँ मारा प्यारा भाई लो, वो सारी ताकत आलो भगवान जको संसार ने बनाए है यीशु बां को एकलो बेटो है। प्रकृति भी बीकी बाता ने माने है, एक दिन यीशु आपका भक्तां के साथ एक नाव में सोरी हो। बी टेम एक जोर आली आंधी आई जिसे बी का भगत डरगा और वे भगवान यीशु ने नींद में से उठाया। यीशु आंधी और लहरा ने थम्बा को आदेश करो। बी टेम आंधी और लहर थमगी। एक दिन भगवान यीशु के भाईला लाजर की मौत होगी। जना भगवान यीशु लाजर की कब्र पर पहुंचा, जना लाजर मरिया चार दिनों का, जना यीशु लाजर को नाम लेकर बुलायो, जना लाजर दोबारा जिंदो होगो। और एक दिन यीशु 5000 मिनखा ने ज्ञान दे रहे हो और बा मिनखा ने जोर की भूख लाग रही। बमसु एक बालक कन 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने आप आला हाथा में बे 5 रोटी और 2 मछली लेर आशीष दी और चमत्कार सु सगला मिनक ने खुआ दियो और सगला मिनक के जीवन के बाद भी बड़ो सारो भोजन बच गो। महाराज यीशु सारा मिनखा की जरूरत को ध्यान रखे है और आपना से बहुत प्यार करे है। पर भगवत जानबो चाहो है कि सगला को ये नालेर से के लेबो देबो है। यीशु ई दुनिया में आयो कि आपना से प्यार करे और आपनो साथ दे, पर थोड़ा मिनक बस दगो कर बान मारबो चावे है। यीशु ने सरकार का मिनक पकड़ लिया और बान मौत की सजा सुना दी। यीशु ने पहाड़ी पर लेगा और बांका हाथा में और पगा में कील गाड़ दी और बान सूली पर लटका दियो। जना भी आप आली आत्मा ने आप आला पिता का आत्मा देर मरगा।
एक मिनट रुको, अगर भगवान यीशु इतनो ताकत आलो हो तो मरगो कया, वो सोली से नीचे क्यों को नहीं आयो? बहुत अच्छे पर्सन है, बाकी मौत एक घटना को नहीं, बे एक बड़ो काम करवा के खातिर मरिया। जे नाले टूट्यो भी है, यीशु आलो शरीर को बलिदान हो गो ताकि आपा बचाया जा सका। जो खून यीशु ने बहायो भी खून में अपना पापा ने माफ करवा की सकती है, तो बाकी मौत में भी सकती ही। और अठेई या बात पूरी को नहीं हुआ, यीशु के मरबा के बाद बांका भक्ता ने बांको शरीर कब्र में दफना दियो, पर 3 दिन के बाद में यीशु दोबारा जिंदा होगा और कब्र में सुबारा ना आगा। बी के बाद में बे आप आला भक्ता ने दर्शन दियो, बे आदेश करया कि बांका बारा में सगला जगत में सुनावे। यीशु ने आप आला चेला से वचन बांध्यो कि एक दिन में बे आपकी शक्ति आदर के साथ पाछा आवला। बी के बाद में बे स्वर्ग में चल गया और अब तानी बे स्वर्ग में ही है, एक राजा की शक्ल में। महाराज, यीशु की बात ने मान बासे और बांका ऊपर विश्वास करवा से आपा ने सगड़ा पापा से मुक्ति मिल जासी। मैं और भगवत दोनी जना भगवान यीशु का भगत बनबो चाहवा हां और बा पर विश्वास करबो चाहवा हां। बहुत अच्छे मेरा प्यारा टाबरो। बदमाश, आखिर में मिल ही गया कठे का चोर। ओ माने दोनों ने माफ कर दे मूफली चोरी करवा के लिए। मैं थाने दोनों ने माफ करूं हूं, लो थोड़ी और मूंगफली ले लो। चलो आपा सगड़ा मिल रे, परमेश्वर ने धन्यवाद दिया और खुश हो जावा अपना प्यारा सतगुरु यीशु का नाम से। एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो थारी बाट, यीशु जी मारा लाड केला। थारा छोरा छोरी जो थारी बाट, यीशु जी मारा लाड केला।